सो व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल, एमसीसी यूजी काउंसलिंग के लिए ईएसआई की रिजर्वेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के जो डाउनलोड किया मैंने नोटिफिकेशन उस पर। तो ये जो ईएसआई की है इसके लिए 15% सीट तो होती है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, और जो 85% सीट होती है वो होती है स्टेट कोटा के लिए। तो ये तो हो गई बेसिक रिजर्वेशन की बात। अब हम लोग चलते हैं कि कैटेगरी वाइज जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कौन सा रिजर्वेशन है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी के लिए 15% रिजर्वेशन दी गई है, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ओबी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आपकी अगर इकोनॉमी कम है तो, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कहने का मतलब है कि किसी भी कैटेगरी से वो लाइक करते हैं यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी उन्हें पीडब्ल्यूडी में 5% रिजर्वेशन मिलेगा ही। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो कि 2019 में लागू किया गया था। ऑलराइट, और आप किस कैटेगरी से लाइक बिलोंग करते हैं प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये एक छोटी सी जानकारी देनी थी, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को तभी रिजर्वेशन दिया जाएगा जब वो सबमिट करते हैं अपना सर्टिफिकेट जो कि पर्टिकुलरली आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है जहां से आपको बनवाना है वहीं से बनवाते हैं तभी आपको ये रिजर्वेशन दी जाएगी, अथवा ये रिजर्वेशन आपको नहीं दी जाएगी। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये है रिजर्वेशन पॉलिसी ईएसआई की कॉलेजेस की। सो प्लीज़ टेल दैट फ्रॉम विच कैटेगरी यू बिलोंग, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी।